हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ हम रीडिंग करने वाले हैं आज यू वर्सेस देम की। कैसा फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए? क्या फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए? क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए इस वक्त, और आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? ठीक है, सो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दोनों के एनर्जीज निकालेंगे, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है उनकी आपको लेके। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आपको लेके, कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। ओके, विजडम, द वेटिंग गेम, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। एक सेकेंड, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है अभी आपके लिए। अब आपके लिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर को लेके, आप कैसे फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, हार्ट चक्रा एंड थ्री ऑफ कप्स। सेक्रल चक्र, एक्सिलरेटेड मोशन। अब हम निकालते हैं एक कार्ड की म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, पेशेंस, म्यूचुअल एनर्जी में आया है पेशेंस। तो दोनों ने ही पेशेंस रख रखा है, ठीक है। सो ये आई है आपकी ओवरऑल एनर्जी, दैट इज पेशेंस। सो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा। तब इनके लिए कार्ड आया है फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं अपने वर्क लाइफ में, अपने करियर को बिल्ड करने में। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनके पैसों को लेके, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, ठीक है। और आपके पार्टनर शायद आपको अभी इतना क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेके, ठीक है। हालांकि बहुत बोर हो रहे हैं वो आपके बिना, काफ़ी डिसकंटेंट है, खुश नहीं है वो आपके बिना। शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं वो, या बहुत कम बात कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर दिल से खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज उनका जो हार्ट है वो तो आपके पास है, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया है हार्ट चक्र, ठीक है। जो जो ट्रू हैप्पीनेस है दिल से, वो तो आपके साथ मिलती है। बट अभी उनकी लाइफ के कुछ हालात ऐसे हैं कि उनको आपसे बात कम करनी पड़ रही है, या बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ बिल्ड करने में लगे हैं, वो आपको वेट भी करवा रहे हैं, वेटिंग गेम का कार्ड है उनके लिए। तो आप काफ़ी वेट कर रहे होंगे, एक वेट करवा रहे हैं वो आपको, वो जवाब देने में, कमिटमेंट देने में, आगे क्या करना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको वेट करना पड़ रहा है इस पर्सन का। एंड ये पार्टनर ना कुछ नया सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ विजडम ले रहे हैं, अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, या अपनी फैमिली को मना रहे हैं आपको लेके, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के माइंड में है आपसे शादी करना, बिकॉज विजडम कार्ड आया है, हेरोफेंट कार्ड आया है। बट अभी इस वक्त वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनका वेट करिए, बिकॉज वो काफ़ी बिजी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, परेशान हैं, काफ़ी बिजी हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। वहीं अल्टीमेटली आपके लिए जो कार्ड आए हैं, आपके लिए कार्ड आया हार्ट चक्रा, तो आप काफ़ी दिल से प्यार करते हो अपने पर्सन को, आप काफ़ी मिस कर रहे हो दिल से, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और आप काफ़ी अट्रैक्टेड भी हो हर तरह से, इमोशनली भी, फिजिकली भी, आप काफ़ी एक अट्रैक्शन है आपका, एक लव है आपका आपके पार्टनर के लिए। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको कंप्लीट करते हैं,
ठीक है, थ्री ऑफ कप सेलिब्रेशन, तो आप सेलिब्रेशन चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ, आप एंजॉय करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, बट शायद अभी यूनिवर्स आप दोनों को नहीं मिलवा रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत विश कर रहे हो गॉड से कि आप जल्दी से आपका यूनियन हो, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और आपका यूनियन हो, बट ओवरऑल जो कार्ड निकल के आया है वो पेशेंस का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जल्दबाजी में जो है आप चीज़ों को ख़राब ना करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे कार्ड गिरा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग और क्वीन दोनों के कार्ड आए हैं हमारे पास। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे दो सिचुएशंस नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो शायद आप शायद वेट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग ठीक है, सब नहीं, और आप अल्टीमेटली मूव ऑन कर जाओगे इस पर्सन से, बिकॉज नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है हार्ट ब्रेक, और इट्स लाइक एंडिंग, आप वो चीज़ खत्म कर दोगे। जो लोग वेट नहीं कर सकते, जो लोग वेट कर सकते हैं, तो थोड़े से चैलेंजेस और रहेंगे आपकी लाइफ में, शायद थोड़ा सा इस पार्टनर की अवेकनिंग में थोड़ा सा वक्त है अभी कि ये पार्टनर आपको थोड़ा सा अटेंशन और ना दें कुछ दिनों तक, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के आप परेशान थोड़ा सा और रह सकते हो, बट अपने आप के ऊपर इस चीज़ को आप हावी ना करके, यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों कपल कार्ड्स आए हैं, तो आप दोनों पावर कपल बन सकते हो, अपने आप को इस हार्ट ब्रेक से निकाल के यहाँ पे अपने आप को आप एक अलग पर्सनालिटी अपनी बना सकते हो, क्योंकि इस पार्टनर में बहुत मेचोरिटी है अभी, बहुत इमेचोरिटी है अभी, ठीक है। तो ये पार्टनर के दिमाग में 10 सीएं चल रही हैं अभी, इसका करियर भी, इसकी फैमिली भी, आप भी, ठीक है। अल्टीमेटली ये पार्टनर बहुत जगह फंसा हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो आप अभी अपने खुद के ऊपर फोकस करो, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है, बिकॉज ये पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड्स बनने में लगे हुए हैं, ये पार्टनर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आप अपना अपना हार्ट ब्रेक करके इस पार्टनर का वेट करने की बजाय आप अपने ऊपर फोकस करके आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनिए, ताकि जब आपका यूनियन हो तो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए, ठीक है। और जो लोग वेट नहीं कर सकते हो, फिर आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, फिर आप दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, फिर वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। बट जो लोग इसी पर्सन का वेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अभी आपको इस पार्टनर को चेज नहीं करना है, और आपको अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ये पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी। इस पार्टनर का हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर फॉर यू, सिल्वर वाटरफॉल, कनेक्शन, लव,
मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस। सी, ये पार्टनर आपसे माफी मांगेंगे, तो अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप इस पार्टनर का वेट करना चाहते हैं या नहीं। नहीं चाहते हो तो आप मूव ऑन करो, आप दूसरा ऑप्शन देखो। करना चाहते हो तो आप खुद पे फोकस करो, बिकॉज जितना आप खुद पे फोकस करोगे उतना ही इस पर्सन में चेंज आएगा। आई टोल्ड यू ये पार्टनर इमेच्योर है, तो इस पार्टनर में मेच्योरिटी भी आएगी आगे जाके कि कैसे रिलेशनशिप को संभाला जाता है। ये आपसे आके माफ़ी भी मांगेंगे आगे कि आपसे जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, और इनको वो ट्रू लव जो है आपके लिए वो रियलाइज़ होगा। इस पार्टनर का हार्ट चक्र ओपन होगा, इस पार्टनर का कनेक्शन जो है आपके साथ वो फील होगा, हीलिंग आएगी इस पार्टनर के अंदर, हीलिंग होगी इस पार्टनर की, इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि अभी ये पार्टनर बहुत ही लो और इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन आगे जाके इस पार्टनर मेच्योरिटी खुद पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप मूव ऑन कर जाओ, या फिर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन के ऊपर फोकस मत करो, अपने ऊपर फोकस करो। बिकॉज पेशेंस का कार्ड आया था, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और नहीं रख सकते हो तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। फॉरगिवनेस, तो माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन, लव भी अपना एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपको अपना लव भी शो करेंगे कि आपसे कितना लव करते हैं, आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, आपको डेट पे लेके जाएंगे, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। बट उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम है अभी, तब तक आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे है न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। तो नई अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, रास्ते खुलेंगे। देन पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। सी, ये पीरियड जो है ये फ्रस्ट्रेशन का पीरियड है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बट इसमें आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा रहे हैं डिवाइन, कि आप खुद से प्यार करना सीखो। सबसे बड़ा लेसन ये है, फियर वरी स्टेंस सिचुएशन। आप बहुत परेशान हो, आपको डर है आपके अंदर टेंशन है, ये सब आपकी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है स्टार कार्ड, गारंटीड सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन में। एंड वेल्थ, ये पार्टनर का फोकस अपनी वेल्थ के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, अपने पैसों के ऊपर है अभी। एंड एक्साइटिंग इवेंट, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होगा आगे चल के, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो पार्टनर आपकी ऑनर भी करेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, बट अभी ये पार्टनर शायद उस एनर्जी में नहीं है, ठीक है। अ विश इज ग्रांटेड, अगर आपकी विश है ये पर्सन, अगर आप सच में चाहते हो रहना इस पर्सन के साथ, तो वो आपकी विश पूरी होगी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो ये पार्टनर आपको मे भी अभी बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बहुत प्राउडी हैं ये थोड़े से। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेस, तो इस पार्टनर का फोकस अपनी जॉब के ऊपर है अभी, तो आप इसके पीछे मत भागो। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, ये पार्टनर बहुत स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्पेस दो इस पर्सन को। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर अ मैरिट, तो आपको रिवॉर्ड देंगे डिवाइन। बॉटम से हमारे पास सन कार्ड आया, तो आपको रिवॉर्ड देंगे। एंड रोज भी आया, सी रोमांस जिंदगी है, तो आपको प्रपोज भी करेंगे पर्सन, ठीक है, सब कुछ अच्छा भी कर लेंगे आपके साथ, लेकिन आपको इसके पीछे भागना नहीं है, इस पार्टनर के पीछे। इस पार्टनर के कुछ मैसेजेस हैं, वो निकाल लेते हैं हम, कि पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस पार्टनर के मैसेज आपके लिए, ओके, यू आर वाइज एंड विटी, तो आपको बहुत समझदार मानते हैं और फनी भी मानते हैं ये। यू मेक मी फील अलाइव, तो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं ये, आपके बिना तो ये भले ही आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, लेकिन ये खुश नहीं है। यू ट्रस्ट मी, तो आप अगर इन पे ट्रस्ट करते हो तो आप फुल ट्रस्ट करो फिर कि सब कुछ अच्छा होगा। यू आर माई सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट भी कह रहे हैं ये, आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं ये। प्यार करते हैं बट अभी शायद उस जोन में नहीं है कि ये उसको एक्सप्रेस कर सके। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, तो आप इनको अच्छे से जानते हो, सबसे ज़्यादा आप ही इनको जानते हो, आप ही इनको समझते हो।
देन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं ये. एंड यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो आप हमेशा इस पर्सन को पैम्पर करते हो. देन यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो ये जानते हैं कि आप उनको माफ़ भी कर दोगे अगर आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे तो. ये ठीक है. सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग. फोकस ऑन योर सेल्फ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.